गुड मॉर्निंग दोस्तों। घंटियों की गूंज और साथ में चिड़ियों की चहचहाट के साथ हमारा दिन का आगाज हो गया है। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जो सुबह का बासी काम होता है, और मैं अभी छत पर आई हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, और आज एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को मॉर्निंग का बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रही हूँ, जो कि है बहुत ही खूबसूरत और इतना सुगंधित है कि क्या कहने। और ये फूल आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का फूल है, तो जो नींबू होता है बड़ा वाला नींबू, उसको घाघल नींबू भी हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। उस नींबू का यहाँ पर फूल लगा हुआ है और ये फूल इतना सुगंधित है कि क्या कहने। इसकी खुशबू जो है सारे छत पर फैली हुई है और ये थोड़े दिनों में इसके फल लग जाएंगे। तो सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। और साथ ही में देखिए, यहाँ पर हमारा एक आम का पेड़ है जिसमें ये फूल लगे हुए हैं, और ये देखिए फूल यानी कि मुझे लगे, इसमें भी आम लग जाएंगे थोड़े दिनों में। और यहाँ देखिए, मैंने सुबह सुबह ही बहुत सारा काम यहाँ पर निपटा लिया है। तो सुबह उठते ही बासी काम निपटाने के बाद सबसे पहले हमने साबूदाना के पापड़ बना लिए, क्योंकि छत पर धूप जब तेज़ी से आ जाएगी फिर पापड़ बनाने में हमें थोड़ी मुश्किल आएगी। तो यहाँ पर पापड़ हमने बना लिए, और यहाँ पर देखिए मेथी का साग है जिसे मेरी बेटी कल लाई थी मार्केट से। तो इसे मैं क्या करूँगी, इसके डंठल तोड़कर मैं इसे सुखा लूँगी, और किसी भी सब्ज़ी में अगर हम डाल देते हैं उसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए साबूदाना का पापड़ हमने डाल दिया है सुबह सुबह ही। तो इस तरफ अभी छाँव ही है, और यहाँ पर देखिए ये हरे मटर की हमने बनाई है बढ़िया, कुछ यहाँ पर मैंने मसूर दाल की बढ़िया बनाई है मसाला वाली। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो आप लोग हमारा कुकिंग चैनल कुकिंग रविता पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे हम फैला देते हैं थोड़ी तो अच्छी तरह से, जिससे कि सूख जाए। तो इकट्ठा है तो अच्छी तरह से नहीं सूखेगी, इसे हमें स्टोर करना है तो अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो दोस्तों, अभी तो अप्रैल का महीना जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, और अभी से देखिए कितना गर्मी लगने लगा है। गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, और अभी देखिए बाकी के महीने जो अभी गर्मी वाले होते हैं उसमें क्या हाल होगा पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं पापड़ और बढ़िया फैला दी हूँ, और जाती हूँ नीचे, क्योंकि साबूदाना का जो भगोना था हमने डुबो कर रखा हुआ है वो सूख चुका था, तो उसे हम धो लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम का नल आता है, टाइम का पानी आता है, तो टाइम से चला जाएगा 8:30 बजते ही, तो बर्तन धो लेते। तो दोस्तों, सुबह सुबह उठकर सिर्फ खाना बनाना ये काम नहीं रहता है, उसके अलावा भी ढेर सारे इतने काम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं छत पर आ गई हूँ, और यहाँ पर देखिए जो मोटे मोटे डंठल होते हैं ये जो मेथी वाले, वो हम हटा लेते हैं और इसे सुखा कर हम रख लेंगे। इसे हम हर साल ऐसे ही करते हैं, और किसी भी सब्ज़ी में पनीर की सब्ज़ी हो या फिर आलू की सब्ज़ी हो, तड़का हो, उसे हम थोड़ा सा क्रश करके डाल दें तो उसका जो स्वाद है दुगना हो जाता है। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बाटा मछली। तो यहाँ पर देखिए बाटा मछली का ये जो हेड होता है, सड़ होता है, वही मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज लंच में यही बन रहा है, बाटा फिश करी चावल के साथ। तो यहाँ पर झटपट मछलियों को फ्राई कर लेते हैं अच्छा कलर आने तक, अच्छा इसे क्रिस्प होने तक, अच्छा सिक जाने तक। तो मछलियों को फ्राई कर लेते हैं, और ये मछली बहुत ही ताज़ी है, ये बाटा मछली है। तो और मछलियों के मुकाबले इस मछली का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये मछली। तो मछलियाँ यहाँ पर देखिए फ्राई हो गई अच्छी तरह से, और ये बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी तरह से पकी हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बड़ी बड़ी साइज़ की ये मछलियाँ थी, तो इनमें से कुछ जो ज़्यादा बड़ी वाली थी उसे हमने यहाँ पर हाफ हाफ करके फ्राई किया है, और कुछ को हमने यहाँ पर खड़ा ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुका है, सरसों वाली ग्रेवी है, और इसी में हम देखिए फिश को डाल देते हैं। फिश बनकर रेडी है। देखिए दोस्तों, आपके भी मुँह में पानी आ रहा होगा, ज़बरदस्त टेस्टी बाटा फिश करी बनकर रेडी है, बच्चों को जा रहा है खाना सर्व करने। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, और सुबह का सारा काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैंने छत पर बड़ियों और पापड़ को डाल दिया है सूखने के लिए। और यहाँ पर मैं नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ब्रेड की सैंडविच कुछ अलग तरीके से। तो रात की कुछ सब्ज़ी बच गई थी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी हमने बनाई थी कल रात को, तो सब्ज़ी बच गई थी, तो यहाँ पर मैंने ब्रेड मंगा लिया है, और यहाँ पर देखिए अलग तरीके का कुछ नाश्ता बना लेते हैं। तो कल का जो ब्लॉग था, दोपहर के ब्लॉग बनाने के बाद मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया, तो सीधे आज मैं सुबह मिल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से, बस यहाँ पर मैंने ब्रेड को थोड़ा सा पानी से भिगो लिया था जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए। और यहाँ पर देखिए जो स्टफिंग है आलू पत्ता गोभी की, मैंने सूखी वाली बनाई थी,
और इसे मैंने कुछ अलग तरीके से कुछ मसाले वगैरह भी ऐड किए हैं जिससे कि और भी ज़्यादा ये फ्लेवरफुल बन जाए। तो उसमें मैंने यहाँ पर थोड़े से मिक्स हर्ब्स और थोड़े से मेयोनीज वगैरह डाल दिए हैं, चीज़ वगैरह भी डाले हैं। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्लरी में डिप करके और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स में भी डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। बच्चों को इस तरीके के नाश्ते बहुत ही पसंद आते हैं, सब्जियाँ तो वे खाना नहीं चाहते हैं। इस तरीके से मैं सैंडविच में जो सब्जियाँ हैं इसमें रैप करके बच्चों को खिलाती हूँ तो वे थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता बनकर रेडी है और बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। चाय ही बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या कार्यक्रम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो सॉस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर सॉस भी ख़त्म होने वाला है, सॉस के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है फ्रेंड्स, जा रहे हैं इसे एंजॉय करने हम लोग। आ गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों तन्नी का एक गिफ्ट पार्सल आया हुआ है, तो उसे यहाँ पर अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अभी शाम का टाइम है, चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया है, तो ये गिफ्ट पार्सल आया हुआ है, वो यहाँ पर अनबॉक्सिंग करेगी, आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों बेटी आज हमारी बहुत ही खुश है। तो बचपन में हर किसी बच्चे का ख्वाहिश होता है, कोई ना कोई चीज़ बच्चे देख लेते हैं तो बच्चे सोचते हैं काश मेरे माता पिता वो सामान दिला पाते, लेकिन क्या होता है पैसे के अभाव की वजह से किसी भी कारण की वजह से माता पिता वो नहीं दिला पाते हैं, तो बच्चे मायूस हो जाते हैं। और जब वो सामान उसे फाइनली मिल जाता है तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी बेटी के साथ भी वही हुआ है, उसके सपनों का घर मिल गया है और ये जो गिफ्ट है उसकी बहन ने दिलाया, उसकी दीदी ने दिलाया हुआ है। तो आखिरकार एक बहन ही बहन का हाल समझ पाई, उसको भी समझ में आ गया कि मुझे भी बचपन में कोई चीज़ चाहिए था तो मम्मी पापा नहीं दिला पा रहे थे किसी कारणवश, तो उसने अपने पैसे से अपनी बहन को ये दिलाया है और वो बहुत ही खुश है। थोड़ी देर में इसे असेंबल करके आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है हमारी बेटी का सपनों का घर। और यहाँ पर देखिए उसे इतनी हड़बड़ाहट है कि वो यहाँ पर खुद भी समझने की कोशिश कर रही है कैसे इसे असेंबल करना होगा। तो उसे समझ में नहीं आया तो अपने भैया को बुला कर रही और यहाँ पर बह भी आ गई थी देखने के लिए क्या चीज़ आया हुआ है, क्या गिफ्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तीनों बच्चे मिलकर थोड़ी देर में यहाँ पर इसे असेंबल करेंगे। लीजिए दोस्तों फाइनली तीनों बच्चों ने मिलकर अपना सपनों का घर तैयार कर लिया है। और जब ये सब छोटे छोटे थे ना तो इन लोगों का सपना था, इन लोगों की ख्वाहिश थी कि ऐसा कोई हम लोग टेंट हमारे मम्मी पापा खरीद कर दे और हम लोग बैठ कर खेलें। तो बचपन का जो ख्वाहिश था अभी उन लोगों ने खुद के पैसे से यहाँ पर पूरा किया है। और इसी चीज़ को हम लोग नहीं दिला पाए थे पैसे के अभाव की वजह से, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है और हर समय हर चीज़ नहीं दिलाई जा सकती है। और हम लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन जो है उतना बेहतर नहीं है कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। तो बच्चे जिद करते हैं तो क्या करें, बच्चों की हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं की जा सकती है। बच्चों ने यहाँ पर खुद से कर लिया है और हमें देखकर बहुत ही खुशी हुई कि आज उनका बचपन का जो शौक था, सपना था, वो पूरा हुआ। तो यहाँ पर देखिए हर किसी बच्चे का, हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है, किसी का खिलौना देख लिया या फिर किसी का कुछ देख लिया तो बच्चों की ख्वाहिश होती है काश मेरे मम्मी पापा भी ऐसा दिला पाते, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि किसी ना किसी का कोई कारण रह जाता है। यहाँ पर देखिए हमारी बेटी बहुत ही भावुक हो गई, बहुत ही इमोशनल हो गई और यहाँ पर टेंट में जाकर बैठ गई अपने सपनों के घर में, तो बहुत खुश थी। तो दोस्तों अभी चलती हूँ खाना बनाने के लिए, रात का खाना बनाना है और सुबह ही हमने आलू मटर को बॉयल करके उसका मसाला तैयार करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैं
फटाफट से आलू के पराठे बनाने लगी हूँ। तो ये मटर वाले पराठे हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। तो बच्चों के साथ बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं चला, काफ़ी देर हो गया है। तो फटाफट से गर्मा गर्म पराठे बनाते जा रहे हैं और इसे हरी धनिया की चटनी हमने पीस कर रख लिया है, उसके साथ सभी को सर्व कर देंगे। तो बहुत ही मस्त पराठे बने थे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।